हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड. सो किड्स, आज हम अपनी क्लास में क्या करेंगे? डायग्राफ टी एच. ओके, आज हम क्या करेंगे? डायग्राफ टी एच. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, आई वांट यू टू लर्न अ राइम. मैं चाहती हूँ कि आज हम अपनी क्लास की शुरुआत एक राइम से करें. यू नो, एरोप्लेन आसमान में उड़ता है ना, और ओशंस के ऊपर से, माउंटेन्स के ऊपर से वो फटाफट से निकल जाता है. यू नो ना एरोप्लेन. एरोप्लेन क्या है? व्हाट इज एरोप्लेन? एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना. सबसे तेज ट्रांसपोर्ट है हमारा. ओके, सो मैं जब भी एरोप्लेन देखती हूँ ना, मुझे क्या लगता है कि काश मेरे को भी ये ले जाए, लाइक दिस, है ना. सो आज हम उसी एरोप्लेन के लिए राइम करेंगे. ओके, एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई, वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज, एरोप्लेन एरोप्लेन कांट यू टेक मी, एरोप्लेन एरोप्लेन कांट यू टेक मी. ये वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड अ लॉट. सो व्हाट्स इन द राइम? एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, इट मींस एरोप्लेन जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, लाइक वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई. अब हम एरोप्लेन से पूछ रहे हैं कि तुम इतना ऊंचा उड़ के कहाँ जा रहे हो? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज, तुम तो पहाड़ों के ऊपर से भी निकल रहे हो, सी के ऊपर से भी निकल रहे हो. एरोप्लेन एरोप्लेन कांट यू टेक मी, एरोप्लेन क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? ये वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड दिस राइम एंड आई होप आपको इस राइम का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, अब मैं आना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है ना, कितनी बारिश हो रही है, इसी तरह एक रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. और जो हमारा लेटर टी है ना, लेटर टी, यू नो ना लेटर टी, दिस इज लेटर टी, है ना. सो ये लेटर टी जो है ना, वो ट्री के नीचे बैठा था. टी ट्री, है ना, टर्ट ट्री के नीचे बैठा था हमारा जो लेटर टी है ना, वो टर्ट ट्री के नीचे बैठा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था. वो सिर्फ एक ही गाना गा रहा था. कौन सा? When I watch the tennis game, when I watch the tennis game, my head goes back and forth, है ना, because the sound of T is right, very good. और फिर अचानक से ना letter H आ गया. This is letter H, letter H आ गया. अब letter H ने बोला, क्या हुआ, तुम अकेले क्यों बैठे हो और बार बार क्यों कर रहे हो? तो बोला कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बार बार एक ही साउंड कर करके बोर हो चुका हूँ. तो फिर एच ने बोला कि कम, हम रेन को एंजॉय करते हैं. वो बोला कैसे? तो एच ने रेन को कैसे एंजॉय करा? आई लाइक टू हॉप 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 अप एंड डाउन, आई लाइक टू हॉप 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 ऑल अराउंड, आई लाइक टू हॉप 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 अप एंड डाउन, राइट. तो एच ने उसको बारिश में भीगते हुए खूब इंजॉय करके दिखाया, मगर फिर भी जो टी का साउंड है वो तो टी रहा, ट ट ट, राइट. तो अब फिर एच ने बोला कि तुम अपसेट मत हो, एक काम करते हैं, हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं और एक न्यू साउंड बनाते हैं. इतने में जोर से बिजली कड़की और थंडर, बिजली को क्या बोलते हैं? थंडर, है ना. इतनी जोर से थंडरिंग हुई तो टी जो है डर गया. फिर एच ने बोला, सी इट्स अ थंडर, इट मींस टी एंड एच टुगेदर, है ना, यानी कि टी और एच जो है उनकी फ्रेंडशिप हो गई. तो वो क्या बन गए? थ. क्या बन गए? थ. गुड, वेरी गुड. तो टी और एच की जब फ्रेंडशिप हो गई तो वो क्या बन गए? थ. थस थंडर, है ना, थ थंडर, वेरी गुड. सो अब हम डायग्राफ टी एच पे आते हैं. ओके,
Let's learn about the digraph. TH, it will help you read and write each day. T says t. H says h. It will help you together and sound this way. T, 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 t. Okay? T, thunder. T, thumb. T, three. T, thread. T, think. All these words are of th. Th, the digraph th, th. Or in sub words mein th kahan pe hai? Starting mein, right? So, all these words are of digraph th, jisme th jo hai wo starting mein hai. Okay, now let's learn about the digraph. TH, it will help you read and write each day. T says t. H says h. It will help you together and sound this way. Th, 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 th. Now we will read the words jinme th jo hai end mein aa raha hai. Ma or th, moth. T, e, th, teeth. B, a, th, bath. B, e, th, bath. A, r, th, earth. Okay, in sub words mein th, sound of th means th jo hai wo end mein aa raha hai. Okay, another line I have with sound th like th. P, a, th, path. B, o, th, both. M, o, n, th, month. S, a, th, south. M, e, th, math. So, these words are also having th in the end and sounds like th. Okay, so this is the digraph th in which they sound like th. Now, aapne kabhi bhi रूट से क्लोन को सुना है द द द द द ऐसे काम करता है ना वो. हैव यू एवर हर्ड अ रूट क्लोन? या राइट, हैव यू एवर हर्ड अ रूट क्लोन मेकिंग अ साउंड लाइक दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट. सो हमें इस राइम से टीएच डायग्राफ की दूसरी साउंड मिली, दैट इज द. ओके, हमने टीएच साउंड की थ साउंड जो पढ़ी, टीएच डायग्राफ की थ साउंड पढ़ी, थ थ एंड थ, बट हमने ये सेंटर वाली लाइन नहीं पढ़ी बिकॉज इसमें टीएच की जो साउंड है वो क्या है, द. ओके, द इट्स दिस, द एट दैट, द एम देम, द एम दे, द राइट. सो हमारे डायग्राफ टी एच की कितनी साउंड है? वी हैव टू साउंड ऑफ डायग्राफ टी एच, थ एंड द, थ एंड द. ओके, सो आई होप आपको डायग्राफ टी एच बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ग्रेट, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू किड्स. ग्रेट, थैंक यू एवरीवन.